तो क्या चुनावी मोहमाया छोड़ चुकी है बीएसपी सुप्रीमो? यूपी चुनाव में आखिर किधर जाएंगे मायावती के कोर वोटर? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी, एसपी और कांग्रेस प्रचार अभियान में तो जुटी है, लेकिन बीएसपी सीन से पूरी तरह गायब नजर आ रही है। कोरोना को लेकर पहले से ही चुनाव आयोग ने रैलियों और सभाओं पर रोक लगा रखी है। ऐसे में तमाम सियासी दल वर्चुअल तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं, मगर मायावती कहीं भी नजर नहीं आ रही। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दलित वोट इस बार किसे मिलेंगे। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से जमीन पर चुनाव प्रचार नहीं दिख रहा है। शायद यही वजह है कि चुनावी तापमान देख कहा जाने लगा है कि यूपी में इस बार बीजेपी और एसपी में सीधी टक्कर होने वाली है। वैसे तो बीएसपी देश के कई राज्यों में चुनाव लड़ती है, लेकिन उसके लिए उत्तर प्रदेश खासा मायने रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका यहां अपना काडर है जो दशकों से उसका अपना वोट बेस रहा है। जानकारों की माने तो मायावती की अरुचि के चलते बीएसपी के कोर वोटर्स का एक बड़ा वर्ग खिसक सकता है। वैसे भी यूपी के 21% वोटर्स समुदाय को लुभाने के लिए कई दावेदार पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले करीब 3 दशकों से दलित बीएसपी को ही वोट देते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में जब बीजेपी से कई ओबीसी नेता टूटकर एसपी में शामिल हो गए हैं, गैर यादव पिछड़ी जाति के वोटरों को अपने साथ करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। साथ ही इस समुदाय का महत्व भी समझा जा रहा है। केंद्र और राज्य में योगी सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के फायदे समझाने के साथ साथ बीजेपी हिंदुत्व के अपने एजेंडे में इस समुदाय को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। जानकार कहते हैं कि मायावती लगातार जाटव उपजाति की एकजुटता पर भरोसा करती आ रही है, जो कुल दलित आबादी का करीब 55% है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दलित वोट बैंक पर मायावती के एक छत्र प्रभाव को चुनौती दी। बीजेपी सूत्रों की माने तो दलितों को अपने साथ लाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उधर एसपी भी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में है। यही वजह है कि अखिलेश ने एसपी के पहले वाली छवि को बदलने की कोशिश की। पहले इसे यादव और मुस्लिम वोट बैंक यानी MY समीकरण वाली पार्टी कहा जाता था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन दलित वोट उसे नहीं मिले। ऐसे में मायावती की गैर मौजूदगी में सूबे का 21% दलित वोट किसे मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ पारल की रिपोर्ट।